दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 255 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर टेंशन अपनी 6 सोल रिंग्स में एक साथ ब्लास्ट किया था। अब हम देखते हैं कि टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वही डीप सी डेमोनिक वाले किंग भी अपनी स्पिरिट फॉर्म के साथ में कई सारी अटैक को उसके ऊपर लॉन्च कर रहा होता है, और तभी अचानक से टेंशन हाउशन हैमर के एक अटैक को सीधा डीप सी डेमोनिक वाले किंग से कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग नीचे समुद्र में गिरने लगता है और पूरी तरह से गुस्से में टेंशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही इस बार वो डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन टेंशन उसे काउंटर करने के लिए अपनी हैमर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जैसे ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग को हाउशन हैमर हिट करता है, हम देखते कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर के पानी के अंदर जाने लगता है। इधर 6 सोल रिंग्स एक साथ ब्लास्ट करने की वजह से टेंशन का भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसके बाद डीप सी डेमोनिक वाले किंग टेंशन के पावर को महसूस करके कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसके अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल के पावर है, क्योंकि इसे फाइट करते समय ऐसा महसूस हो रहा है मैं फिर से सी गॉड से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन तभी डीप सी डेमोनिक वाले किंग को याद आता है, टेंशन तो अभी के लिए एक इंसान है, इसलिए मुझे कोई इंसान कभी नहीं हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से डीप सी डेमोनिक वाले किंग किसी तरह का पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी में अचानक से एक टेरिफाइंग लेवल की पावर आने लगते हैं। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पावर अचानक बढ़ने की वजह से टेंशन एनवायरनमेंट में होने वाली बदलाव को महसूस कर लेता है, पर तभी हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग बड़े ही पावर के साथ में अटैक करने के लिए टेंशन की तरफ बढ़ता है। ये देख करके टेंशन सोचता है, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग 1 मिलियन सालों से कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए अगर यह उसका अटैक सक्सेसफुल होता है तो हम सभी लोग एक साथ मारे जाएंगे। वही सीओ बाई डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को महसूस करके कहते हैं, मेरे ख्याल से अब ये पूरी तरह से गॉड लेवल पर पहुंच चुका है। ये सुनकर के डाई मुबई कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर में टेंशन क्यों नहीं चाहता था कि हम लोग ज्यादा देर तक इस फाइट में हिस्सा ले। तभी रोंग रोंग बताती है, अब मैं टेंशन के पावर को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि अब टेंशन के पावर भी गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। वही यह जान करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब टेंशन की पावर तो गॉड लेवल पर पहुंच गई है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टेंशन की बढ़ी हुई पावर की वजह से वहां पर आशुरा गॉड की शेडो अफियर हो जाती है। इधर टेंशन अपनी डेथ गॉड डोमिंग को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और फिर से अपना हैमर का इस्तेमाल करते हुए डीप सी डेमोनिक वाले किंग से फाइट करने लगता है। वही इस बार इस फाइट से निकलने वाली इतनी ज्यादा पावरफुल होता है कि श्रेक डेविल्स को अपनी जगह पर खड़े होने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इधर टेंशन से लड़ता हुआ देख करके डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टेंशन उसकी स्पिरिट फॉर्म को बहुत ही आसानी से डिपेंड करता है और अगले ही मूवमेंट पर वो अपनी हैमर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग का आर्मर टूट चुका होता है। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए टेंशन 8 स्पाइडर लांस के अंदर मोटू की अब्सॉर्ब की हुई फायर फिनिक्स पावर को सीधा डीप सी डेमोनिक वाले किंग के ऊपर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग उस फायर की वजह से कुछ देख नहीं पाता है। इधर टेंशन अपनी अटैक को जारी रखते हुए फिर से एक सीक्रेट वेपन बॉडी ब्लड का इस्तेमाल करता है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग किसी तरह से टेंशन के अटैक को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह देखता है कि अब वो सीधा टेंशन के टारगेट पर आ चुका होता है। इधर टेंशन बताता है कि यह टेंशन का सीक्रेट वेपन में सेकंड नंबर पर आता है। इधर हम देखते हैं कि अब टेंशन के सीक्रेट वेपन डीप सी डेमोनिक वाले किंग को चीरता हुआ आगे निकल गया होता है, लेकिन तभी टेंशन बताता है ये सीक्रेट वेपन एक साथ 9 ब्लास्ट को क्रिएट करता है। तब हम देखते हैं कि 9 ब्लास्ट की वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग के जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। इधर अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग टेंशन से हार चुका होता है,
लेकिन फिर भी उसकी अंदर की कल्टीवेशन चारों तरफ रिलीज होने लगती है। वही टेंशन देखता है कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग की कल्टीवेशन पावर रिलीज होने की वजह से वहां पर एक भंवर क्रिएट हो गया है। तभी इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज होता हुआ देख करके श्रेक डेविल्स टेंशन के पास बढ़ते हैं और टेंशन के बेहोश होने से पहले उसके पास पहुँच जाते हैं। तभी मोटो पूछता है, टेंशन अभी भी तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? इस पर टेंशन बताता है कि वो एक तरह का सीक्रेट वेपन था जो एक स्पेशल तरीके से हमारी स्पिरिट पावर को ब्लड में स्टोर करके रखता है। इसके अलावा वो हमारी दुश्मन की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, तब उस ब्लड के अंदर स्टोर की हुई स्पिरिट पावर हमारी दुश्मन की बॉडी के अंदर 9 पावरफुल ब्लास्ट को क्रिएट करते हैं। इसी बीच सीवू पूछती है, आखिर में जब तुम फाइट कर रहे थे वहाँ पर एक शेडो अपीयर हुई थी, वह क्या है? तब टेंशन बताता है कि जब मैं हाउशन हैमर के 6 सोल रिंग को ब्लास्ट किया था तब मेरा डेथ गॉड डोमिन पूरी तरह से म्यूटेटेड हो गया था, पर फिर भी मैं नहीं जानता हूँ आखिर में वो शेडो किस तरह से अपीयर हुई थी। इसके बाद टेंशन कहता है, मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैं डेमोनिक वाले किंग के पावर को तुम लोगों के अंदर ट्रांसफर करूंगा ताकि तुम लोगों का भी सोल पावर जल्दी से इंक्रीज हो सके। इसके बाद टेंशन अपनी 8 स्पाइडर लांस का इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों के अंदर डेमोनिक वाले किंग की एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है और कहता कि तुम लोग तब तक इस पावर को अब्सॉर्ब करना जब तक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना एहसास होने लगे। वही अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसे अब्सॉर्ब करना तुरंत बंद करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेंशन के 8 स्पाइडर लांस की वजह से यह सभी लोग एक साथ में डेमोनिक वाले किंग की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इन लोगों को ऐसा करने के बाद भी डेमोनिक वाले किंग के पावर इधर उधर भी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे समंदर जहां से भी डेमोनिक वाले किंग के पावर जाती है, हम देखते हैं कि उसकी वजह से ओशियन प्लांट्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। इधर उस पावर को अब्सॉर्ब करते हुए अगला दिन आ जाता है। तभी जीवू को देख करके ऐसा लगता है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए टेंशन उसे पूछता है कि जीवू क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? लेकिन जीवू बताती है, टेंशन तूने मुझे 2 मेडिसिन प्लांट्स दी है, उसकी वजह से मेरे स्ट्रेंथ सभी से ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से डेमोनिक वाले किंग के सोल बोन और सोल रिंग को जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। ये सुनकर के टेंशन कहता है, मेरे ख्याल से डेमोनिक वाले किंग के सोल बोन और सोल रिंग को अब्सॉर्ब करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन समंदर के अंदर जाते हुए कहता है, मैं डेमोनिक वाले किंग के सोल रिंग और सोल बोन को समुन्दर के अंदर ही अब्सॉर्ब करूंगा, इसलिए तुम लोग यहां से एक जगह पर चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं अब टेंशन समंदर के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि डेमोनिक वाले किंग के अंदर से निकलने वाली कल्टीवेशन एनर्जी भयानक तरीके से बढ़ने लगते हैं, पर फिर भी टेंशन अपनी हैमर का एक सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने लगता है। लेकिन टेंशन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि डेमोनिक वाले किंग के पावर सीधा उसकी मेरिडियंस में जा रहे हैं। वही यह पावर इतनी ज्यादा होता है कि टेंशन ने आज से पहले इतनी ज्यादा पावर को कभी नहीं महसूस किया होता है। इधर डेमोनिक वाले किंग के स्पिरिट अभी भी टेंशन को मारने की कोशिश करती है। वही टेंशन खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाता है और इतना कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।